हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रुद्रा प्रोडक्शंस। आज हमारा एक छोटा सा टॉक है विद साइशा एंड खुशी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा दरअसल फर्स्ट टॉक है और इसमें हमने जो टॉपिक उठाया है वो है हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप डिप्रेशन, जो कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत कॉमन भी है कि पहले प्यार हो जाता है और फिर ब्रेकअप हो जाता है और फिर उसके बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो कि गलत चीज़ है क्योंकि एक्सट्रीम केसेस में ये सुसाइडल भी पहुंच जाती है सिचुएशन। और जैसा कि तो अभी हमारे साथ जो है साइशा और खुशी। अब साइशा, तुम्हारा हुआ है अभी ब्रेकअप? हाँ जी, हुआ है। और खुशी, तुम्हारा भी? ऑब्वियसली आजकल तो यही चल रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी यही तो हुआ है। तो कितने साल पहले हुआ था साइशा तुम्हारा ब्रेकअप, जब हुआ था या कुछ महीने पहले हुआ नहीं, था? नहीं, कुछ साल, ये तीन साल हो गया। 3 साल हो गए थे। तो थोड़ा सा मतलब कि अपना अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमारे साथ। ज़रूर, एक्सपीरियंस्ड ऑब्वियसली जैसे सबका रहता है वैसे ही था। इट वाज वेरी बैड एंड बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेशन में नहीं बोलूँगी पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा, एक अटैचमेंट होता है ना इंसान से, वैसा अटैचमेंट सा हो गया था। तो जब सडन ब्रेकअप होता है, प्यार था लेकिन क्या होता है ना, प्यार में वो इंसान की आदत भी हो जाती है। अटैचमेंट इज आल्सो अ काइंड ऑफ लव ना। हाँ, तो वो जब सडन वो जब हटता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो मैं रोई थी, ऐसा नहीं है मैं नहीं रोई थी, एकदम नेक्स्ट डे पार्टी वार्टी गई वैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा रोई थी। पर देन आई वॉज लाइक, मेरे को एक चीज़ उस वक्त समझ में आया कि ब्रेकअप के टाइम ना, आप अगर अपने करियर पे फोकस करोगे तब आप अपने करियर पे उस वक्त सबसे अच्छा फोकस करोगे। जो भी गुस्सा है, जो भी है, सब अपने करियर के ऊपर निकालो और दिखाओ उसे कि तुमने किसे छोड़ा है। तो ये डिप्रेशन में अगर आप जाओगे, रूम में बंद करोगे, तो उसे तो आपकी कोई कदर ही नहीं रहेगी। मतलब एक तरह से क्या है कि जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन है उसको एक तरह से ट्रांसम्यूट कर दो, एकदम करियर में एकदम फोकस कर लो। आप पर अगर वर्क में भी बिजी रहोगे तो आपको डिप्रेशन कहीं और सोचने का कुछ टाइम ही नहीं मिलेगा। और अगर किसी का वर्क ना हो तो कोई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ही है तो पढ़ाई में लग जाओ आप। और पढ़ाई पे जब बैठते हैं तो उस टाइम जो है दिमाग में सिर्फ वही सारी बातें आ रही होती है, पढ़ाई पे भी ध्यान वो नहीं लग रहा। आती है, काम में भी आती है, जब हम काम में जाते हैं तो काम में भी आती है, पर आपको हटना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि वो इंसान जब खुश है तब आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों डिप्रेशन में हो? उस इंसान को देख के सीखो कुछ कि जब वो खुश है भाई तो मैं क्यों रोऊं उसके लिए, क्यों? यू आर नॉट दैट बैड कि तुम्हें कोई छोड़ के जाए और तुम उसके लिए रो। नहीं, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड एंड जस्ट उसे दिखाओ, जस्ट शो हिम और हर दैट हु यू आर और किस, मतलब किसने छोड़ा है तुम्हें, बस दैट्स इट। एंड आपको आपके मॉम डैड का भी सोचना चाहिए कि यार, मतलब कल का आया हुआ लड़का या लड़की के लिए आप रो रहे हो, इन लोगों ने आपको पाल के बड़ा किया है, पैदा किया है, तो आप डिप्रेशन में जाओगे तो सबसे ज़्यादा ख़राब उस वक्त मॉम डैड को लगेगा कि ये इस, मतलब क्या हो गया मेरे बेटे और या बेटे को, कि जो वो इंसान के लिए वो इतना इतना वो बदल गई है, वो रो रही है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो अपने इमोशन जो तुमने पहले किसी को दिए थे, इन्वेस्ट किए थे उसके साथ, वो अब अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करो। जी, पेरेंट्स जो है हमें बहुत प्यार करते हैं और बिना किसी, एक तरह से अनकंडीशनल लव होता है पेरेंट्स का। Exactly. तो उनको भी कुछ give them back. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देने का। आप कल के आए हुए लौंडे या मतलब लड़के या लड़की को आप कैसे कर सकते हो, अपने मॉम डैड को कैसे इग्नोर कर सकते हो? फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर मॉम डैड। मैं हर लड़के और हर लड़की को बोलूँगी कि मेक योर फैमिली योर मॉम डैड योर फर्स्ट प्रायोरिटी, मेक योर करियर सेकेंड प्रायोरिटी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाद में। दरअसल क्या है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जैसा कि मैं साइशा की बात से समझा हूँ, वो एक टेम्प्ररी फेज ऑफ लाइफ है। तो टेम्प्ररी चीज़ों को जो है ज़्यादा अहमियत ना देकर थोड़ा परमानेंट चीज़ें, जैसे करियर जो है हमारे आगे तक काम आएगा, या हमारे मम्मी पापा हैं वो हमारे को शुरू से पालते आ रहे हैं और आगे भी, मतलब हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी तरफ, तो हमें उनको टाइम देना चाहिए। और इस चीज़ को हमें थर्ड नंबर पे रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों को। तो कहने का मतलब तो ये हुआ कि प्यार करो ही मत,
करो, प्यार करने से कोई रोका नहीं है, पर इतना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये समझा है कि इतना भी मत प्यार करो कि बाद में फिर आप अपने दिल को फिर से दोबारा किसी और को, या आप कहीं पे भी नहीं आप अपने आप को संभाल सको। बस उसी चीज़ को मैं बोलूँगी कि इतना प्यार करो कि आप खुद को संभाल सको। जब आपको धोखा मिले, जब आपका दिल टूटे, तब डोंट पुट उसको ऑल संभाल द सको। एग्ज ऑफ योर हैप्पीनेस इन वन बास्केट, एग्जैक्टली, हैव सम लिमिटेशंस ऑन योर अटैचमेंट एंड ऑन योर लव, दैट्स इट। और खुशी अब आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपके साथ कितने साल पहले ब्रेकअप हुआ था और हाउ यू ओवरकेम इट, और मतलब ओके। कैसा फील हुआ था, मतलब कि नॉर्मल था या थोड़ा सिवियर था, इंटेंस था, कैसा था? या श्योर। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब प्यार होता है तो शुरू शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई प्यार है, रात रात भर बात करते थे, ठीक है, और इतना केयरिंग पर्सन कि हाँ ठीक है ये खाना है, अच्छा बाबू आपने खाना नहीं खाया, अच्छा बाबू आपने पानी नहीं पिया, अरे बाबू दवाई ले लो। तो वो चीज़ें शुरू शुरू में जो स्टार्टिंग में बंदा दिखाता है ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मैं सबके लिए कह रही हूँ, मैं इंडिविजुअली एक के लिए नहीं कह रही। तो वो जो शुरू शुरू में दिखाया जाता है ना प्यार, वो चीज़ें ऐसा लगता है ना कि यार बस इसके बिना कोई है ही नहीं। लेकिन सडनली जब कुछ टाइम बाद वो जब इग्नोर करने लगता है या कोई वो रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया कि भाई हमसे कोई गलती हुई हो, या फिर बंदा ऐसा सोचता है। धीरे धीरे मेरी बातें ख़त्म हो गई, फिर अभी हमारा दी एंड हो गया, नहीं बात करता बंदा। अब मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी पहले है, इंसान को सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए, सेल्फ बिकॉज एस्टीम, सेल्फ हाँ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें सेल्फ नहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज हमारे पेरेंट्स पहले हैं। अगर हम डिप्रेशन में होते हैं, लाइक मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हुई थी डिप्रेशन में, मैं भी हो गई थी। फर्स्ट डे मैंने रात में खाना खाना छोड़ दिया, ये सब चीज़ें हो गई। फिर मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने एक बहुत ब्रेथ करा और लाइक मैंने अपने आप को बहुत रिलैक्स किया उस टाइम पर, और बिल्कुल मैं फैमिली के साथ इन्वॉल्व हुई, अपनी मम्मा के पास बैठी, फिर मैंने उनसे बातें की, तो मेरा जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया। मैं उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना, सारी चीज़ें करने लगी। बट सिचुएशन क्या था कि उस बंदे को हम जल्दी भूल नहीं पाते, ये सबके साथ है कि हम नहीं लेकिन भूल ये पाते खुशी हैं। का भी, मैं जहाँ तक मैं मतलब समझूँ सायशा की तरह, खुशी ने भी ये बोला कि पेरेंट्स के साथ उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, हाँ तो जिससे एग्जैक्टली, कि शी वॉज एबल टू ओवरकम अ लिटिल बिट क्योंकि ऑफ मैं इट. आपको बताती हूँ, जिस तरह से हम अकेले रहते हैं, तो अकेले क्या होते हैं कि एक तो हमारे पास काम नहीं है, ठीक है, हम घर में अकेले हैं। हम अगर एक कमरे में भी बंद रहेंगे, मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ, डिप्रेशन में बंदा तभी जाता है, उसके बारे में सोचता है, उसके साथ बैठना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ रात में क्या बातें होती थी, सारी चीज़ें, उसकी डीपी देखना, उसके मैसेजेस पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें एक डिप्रेशन की चीज़ें होती हैं। तो अपने अगर माइंड को एक तरह से वहां से डाइवर्ट करो वो से, हाँ और सही जगह लगाओ. उसी तरह से इस चीज़ों को बाहर निकलने का मतलब है कि आप या तो किसी काम में टाइम स्पेंड करो, या किसी फैमिली के साथ रहो, या कुछ एक अच्छे फ्रेंड जो तुम सबसे बात शेयर कर सकते हो, जिनसे आप करते हो, उनसे बात करो, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो और मूव एक ऑन मैं करो। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज़ जी यहाँ ऐड करना हाँ चाहूंगा या कि अभी मैं ना कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था अच्छा। यूट्यूब पे, कॉमेडी वीडियो थी और उसके नीचे कमेंट्स भी थी कुछ, वो तो अच्छा ज़्यादातर होती हैं, तो कमेंट्स पढ़ रहा था मैं. तो उसमें कमेंट्स में ना एक बंदे ने लिखा था कि मेरा ब्रेकअप हो गया था और आप लोगों की वीडियोस देख देख के ना मेरा जो है डिप्रेशन खत्म हो गया. तो मेरे ख्याल से एक ये भी पॉइंट है कि आप हाँ कॉमेडी वीडियोस, अगर आपका कोई फेवरेट जी कॉमेडियन है या आप कॉमेडी वीडियो देखे हो हिंदी की या और किसी लैंग्वेज की या यूट्यूब पे हाँ वीडियोस ये भी एक देखे. पॉइंट है कि आप या तो कोई यूट्यूब पे कॉमेडी देखो, या आप कोई यूट्यूब पे स्टोरी अच्छी अच्छी देखो जो थोड़ी मजाकिया हो, कॉमेडी हो। कॉमेडी से क्या होता है ना कि बंदा डिप्रेशन से बाहर हो जाता है और उस चीज़ पे फोकस कर लेता है क्योंकि वो कॉमेडी है। लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ अमित जी, कि जो मोटिवेशन खुद के अंदर है ना, ये सोचो कि यार उससे बेटर आप डिजर्व करते हो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी पहले है और हम उससे बेटर डिजर्व करते हैं, तो हमें मूव ऑन करना चाहिए। हमें उस बंदे को दिखाना चाहिए या उस बंदी को दिखाना चाहिए कि यार हम तेरे बिना भी खुश और हैं। मेरे ख्याल से उसको भूलने में जो भी है, मतलब उसको भूलने में ज्यादा आसानी तब रहेगी जब अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को जो है याद रखोगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को मत याद रखो हाँ कि उसमें ये कि अच्छा उसने है बाबू कि सोना बोला था
make a notepad हाँ, of मतलब all the like, negative vibes like that. किसने बोला था? बाबूशो ना. हाँ, नहीं नहीं मैं वही बता रही थी ना आपको जब मैंने अपनी स्टोरी बताई है तो उस चीज में क्या होता है बहुत शुरू शुरू में ना सब कुछ नया लगता है ऐसा लगता है कि उसके बिना कुछ है ही नहीं हाँ। तो उन चीजों को अवॉइड करके ना उसकी नेगेटिव चीजें पकड़ो कि यार क्या चीज थी हाँ कि वो जैसे कि आपको आपको रिप्लाई टाइम से नहीं करता था हाँ। या दोस्तों के साथ कहीं बाहर में जाने देता था झूठ बोलता था अपने बाहर जाता था मेरी भी क्यों होती है नहीं मेरे वाले ने तो ये बोला कि भाई मेरे को तो पैसा कमाना है तो भाई मैं पहले पैसा कमाऊंगा उसके बाद सोचूंगा अगर तुम्हें पेशेंस रख सकती हो तो पेशेंस रखो बट यार इतना भी पेशेंस नहीं होता कि एक मिनट बंदे को बात करने का वो बहाने होते हैं हाँ तो एग्जैक्टली वही चीजें हैं कि सब बहाने होते हैं हाँ प्यार के लिए तो हर कोई टाइम निकाल ही सकता है तो वो भी बेटर है यार कि हाँ भी चलो बात हो रही है तो अब हम इस अपने डिस्कशन को थोड़ा क्लोजिंग पॉइंट में जाते हैं जिसके अंदर पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट पॉइंट जो कि मतलब जिनको हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे क्योंकि हमने अपना पूरा टाइम एक जने जने को दे दिया था और हम सबको इग्नोर कर रहे थे तो अब मेन क्या है फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दो जो फ्रेंड्स हैं जिनसे हमने बहुत सालों से बात नहीं करी उनको फोन करो उनसे मिलने जाओ और दूसरा ये कि फैमिली वाले पे मम्मी पापा को टाइम दो उनकी हेल्प करो एग्जैक्टली और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ये है कि आप एक कमरे में बंद होकर मत रहो थोड़ा बाहर निकलो क्योंकि आप जितना बाहर निकलोगे अपने घर से बाहर निकलोगे तो उतना आपका माइंड बॉडी इमोशन ना इन्वॉल्व हो जाएंगे और चीजों में विंडो शॉपिंग के लिए चले जाओ कुछ खरीदो मत परंतु विंडो शॉपिंग करके जाओ कहीं घूमने जाओ अकेले जाओ या दोस्तों के साथ जाओ तो आपको वहां से माइंड डाइवर्ट करने में आसानी रहेगी सुसाइडल थॉट्स या डिप्रेसिंग थॉट्स कम हो जाएंगे और तीसरा जैसे उस बंदे की नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखो तो आपको आसानी रहेगी कि आपने कुछ ज्यादा बड़ा मिस नहीं किया आपने जो मिस कर रहे हो वो मतलब कि मिस करने लायक ही था तो फिर आपको ये नहीं रहेगा सॉरी इंटरप्ट टू अमित जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगी लोगों को कि देखिए जो आजकल वो हाथ काट लेते हैं ठीक है और या कुछ सुसाइड कर लेते हैं या कुछ कोशिश करने की करते हैं वो कोशिश ठीक है तो भाई डूड अपने आप को संभालो क्योंकि भगवान ने ना एक छोटी सी लाइफ जो है ना आपको बहुत कीमती है आपके लिए हाँ फैमिली के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जिन्होंने आपको पेट में रखा है जैसा कि इन्होंने मैम ने बोला था तो भाई उनकी कीमत समझो ये चीज करने से पहले अपने माँ बाप अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं दैट्स और वैसे मेरे ख्याल से हमने लगभग सभी पॉइंट्स कवर अप कर लिया हाँ एक कॉमेडी वीडियोस देखें कॉमेडी फिल्म्स देखें जिससे कि आपका माइंड जो है थोड़ा खुश रहे और इसके अलावा मतलब कि अपने आप को बिजी रखें अपने करियर की तरफ फोकस करें यही सब है करियर इज द बेस्ट कि करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि जिस शख्स के लिए आप रो रहे हैं या डिप्रेशन में है वो तो शायद किसी और के साथ खुश है तो आप क्यों अपनी जिंदगी को अपनी अपने आप को बीमारियां लगा रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है एंग्जाइटी अटैक्स आ जाते हैं सुसाइड करने के लिए मतलब ये सब चीजें जो है एक तरह से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं और दूसरा तो खुश है तो इन चीजों को थोड़ा सा समझिए और अपना ये है कि अपने आप को सही खुश रहिए और अपना करियर बनाइए क्योंकि जिस दिन तुम करियर में सेट हो गए या जिस दिन लाखों लोग आएंगे आपके पीछे आपके पीछे पीछे खुद लोग आएंगे जहां पैसों हाँ। वाली बात भी होती है ना कि भाई एक बात और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमेशा ये याद रखो कि टाइम कभी भी एक जैसा नहीं होता जो बचपन में आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो अब आपके लिए मायने नहीं रखती तो जो अभी आपके साथ जो प्रॉब्लम घट रही है ये डिप्रेशन वाली ये कुछ सालों बाद ये भी नहीं रहेगी और विद टाइम टाइम इज अ ग्रेट हीलर विद टाइम बहुत ही आप सब कुछ भूल जाएंगे आप अपने मतलब उस पुराने प्यार को भूल सकते हैं आराम से अभी आपको लग रहा होगा क्योंकि नए नए अभी बिछड़े हैं नए नए अभी अलग हुए उसमें थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा था तो विद टाइम आप सब कुछ ये भूल जाएंगे हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रेकअप के बाद बहुत खुश भी होते हैं हाँ वो एकदम से संभाल लेते हैं होता है मतलब लाइक कुछ सेकंड कुछ घंटे होते हैं कि बस थोड़ा वो रहता है कि भाई ब्रेकअप पार्टी हां कि लाइक ब्रेकअप वाला फील होता है हां लेकिन उसके बाद वो इतना एंजॉय करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में थे जब वो रिलेशनशिप में थे तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा टॉक्सिक और बंदिश में रहती है सो बैलेंस रहो दोस्तों
लाइफ में बैलेंस की तरफ फोकस करो, सबको प्यार दो, सिर्फ एक जने को नहीं, सबको प्यार दो जो तुम्हारे प्यार का हकदार है, सिर्फ एक को एक के प्रति मतलब मत अटैच रहो। चलो होप आपको हमारी डिस्कशन अच्छी लगी होगी और उससे आपको कुछ बेनिफिट भी होगा, और आप हमें अपनी जो व्यू पॉइंट्स हैं, हाउ यू ओवरकेम डिप्रेशन कमेंट्स में लिखिए। वी आर वेटिंग।